हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टेट टेक अकेडमी। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 हिमालय की बेटियाँ, इसके आपको एक अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्न एक, काका कालिकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? और इसका आंसर है बहुत ही आसान। काका कालिकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि यह नदियाँ हमारा आरंभिक काल यानी लाखों करोड़ों वर्ष से माँ की भांति, जैसे हमारे मदर हमारी हमारी हमारा ध्यान रखती है, वैसे ही माँ की भांति जो नदियाँ हैं हमारा भरण पोषण करती आ रही है, यानी हमें खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी देती हैं, हमारी जीविका का साधन है। और आप ये जानते हैं, आपने पढ़ा है कि नदियाँ हमें पानी भी देती हैं और माँ की तरह ही हमारा ध्यान रखती हैं। और जैसे आपकी मदर आपका ध्यान रखती है, तो नदियाँ जो हैं वो तो लोक माताओं ने बोला गया है, वो पूरे संसार की जितने भी लोग हैं उनका भरण पोषण वो करती आ रही हैं लाखों करोड़ वर्ष से ही। तो इसीलिए काका कालिकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। अब आते प्रश्न दो, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र महानदियाँ हैं और इन नदियों में सभी नदियों का संगम होता है, तो ये विशेषता आप लिख सकते हैं। कई सारी विशेषताएँ हैं पर इनमें से आप ये लिखें, इन दोनों महानदियों में सारी नदियों का संगम होता है। अब आते प्रश्न तीन, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? स्टूडेंट्स, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ लाखों करोड़ों वर्ष से आ रही हैं, पहले वो स्वच्छ थी, अब वो प्रदूषित हो गई हैं, काफ़ी प्रदूषण हो गया है और अब लोग उन्हें गंदा करते आ रहे हैं, और यही एक बदलाव है। तो उसका उत्तर है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। और अब आते प्रश्न चार, लेखक ने किसको ससुर और किसको दामाद कहा है? और इसका उत्तर है, लेखक ने हिमालय को ससुर यानी हिमालय को ससुर का और समुद्र को उसका दामाद का। अब आते प्रश्न पाँच, लेखक जो प्रश्न पाँच है, हिमालय की बेटियाँ पाठ के लेखक कौन हैं? और इसका उत्तर आप जानते ही होंगे, हिमालय की बेटियाँ पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। अब आते प्रश्न छः, इस पाठ में हिमालय की बेटियाँ किन्हें कहा गया है? तो ये भी बहुत आसान है, सरल उत्तर है, इस पाठ में हिमालय की बेटियाँ नदियों को ही कहा गया है। अब आते हैं प्रश्न सात, हिमालय पर नदियों का रूप और स्वभाव कैसा होता है? जब ये हिमालय से निकलती हैं, बहती हैं, तो इनका रूप और स्वभाव होता है, ये नदियाँ दुबली पतली होती हैं और इनके स्वभाव में चंचलता होती है, ये इसका उत्तर है, बहुत ही आसान है। अब आते प्रश्न आठ, मैदानों में नदियों का रूप और स्वभाव कैसा होता है? जब ये मैदानों तक पहुँचती हैं, समतल मैदानों तक, तो नदियों का रूप विशाल हो जाता है, काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, फैल जाती हैं लैंड एरिया में, और नदियाँ जो हैं वो मैदानों में बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती हैं। तो इस तरह से आपको देना है। प्रश्न नौ पे आते हैं, नदियाँ कहाँ उछलती कूदती और हंसती और दिखाई पड़ती हैं? इसका सही उत्तर है, नदियाँ जो हैं हिमालय की गोद में ही उछलती हैं, कूदती हैं और हंसती हुई दिखाई पड़ती हैं। अब आते हैं प्रश्न दस, नदी का गंभीर और शांत रूप किस भांति प्रतीत होता है? जो नदी गंभीर और शांत होती है, जैसे अभी हमने कहा कि ये जब मैदानों में पहुंचती है, समतल मैदानों में, तो वहाँ पर शांत रहती हैं, गंभीर रहती हैं, तो इसको किससे कंपेयर किया गया, यानी इस किसकी भांति प्रतीत होता है? तो नदियों का गंभीर और शांत रूप सम्राट महिला की भांति प्रतीत होता है। और आज हमने भी 10 प्रश्न किए हैं, आगे भी हम और कराएंगे। अगर आपको समझ आ गया, वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, नोटिफिकेशन ऑन करना, टर्न ऑन, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करना। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके थ्रू आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।